के इस लोकार्पण अवसर पर अभी हम सब लोग इनको सुन रहे थे, ऐसे हमारे पूरे देश के युवा एवं बहुत ही लोकप्रिय नेता एक कुशल वक्ता, और मैं सच बताऊं तो जब मैं उनसे पहली बार मिला तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं पहली बार मिला। इतने सहज सरल और त्वरित रूप से निर्णय करने वाले हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप सब लोगों का स्वागत करें। और इससे मेरा बेहद लगाव है, और जब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा तो बड़ी जरूरत हुई वहां, और चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन मैंने राजीव नड्डा जी से आग्रह किया कि आप मतलब पीके सिंह जी को मेरे सामने ले लीजिए, तो वो स्वयं आपके साथ आए, क्योंकि मैं एक फौजी का बेटा हूं और आप जनरल, और दोनों मंत्रालय के जैसा अभी मैंने आकाश के लिए और जमीन के लिए दोनों के मंत्री आदरणीय जनरल पीके सिंह जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा सांसद आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो हमसे वर्चुअल में इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, और मेरे बड़े भाई पूर्व मुख्यमंत्री और यहाँ के विधायक आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हमारे मंच पर उपस्थित देहरादून के मेयर और मेरे बहुत पुराने साथी जो उनका साथ में अध्यक्ष था, आप मेरे साथ महामंत्री के रूप में काम करते थे, भाई सुनील कुमार गामा जी, श्री संदीप कुमार जी चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, श्रीमती उषा पाणी जी संयुक्त सचिव नागरिक उड्डयन मंत्री नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार, एवं मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, सभी इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले विभिन्न विमान कंपनियों के सभी प्रतिनिधिगण, आए हुए सभी महानुभाव भाइयों और बहनों, उपस्थित पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को बधाई देना चाहता हूं, और माननीय मंत्री जी का बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं जैसा आपको बता रहा था कि मंत्री जी के अंदर जो निर्णय लेने की क्षमता है वो वास्तव में अद्भुत है, और बहुत बार होता क्या है कि अशोक मीटिंगों पर मीटिंग करते हैं, एक मीटिंग लगी, उस मीटिंग के बाद अगली मीटिंग की डेट तय होती है, फिर उस मीटिंग के बाद अगली मीटिंग होती है, और निर्णय होते होते वो सालों लग जाते हैं और निर्णय हो नहीं पाते। जब मैं पहली बार मंत्री जी से मिला तो मैंने आपको जो उत्तराखंड के अंदर जिस बात की हमें आवश्यकता थी, जहां जहां कनेक्टिविटी की आवश्यकता थी, इसके लोकार्पण की लोकार्पण होना था, थोड़ा कटोरे उड़ने थे, तो मैंने जितनी बातें रखी तो मंत्री जी बोले कि आप तत्काल अपने यहां से जो करना है आप कर दीजिए, आप समझिए यहां से हो गए, और उसी दिन आपने तिथि तय कर दी। यानी जो हम कहते हैं युवा जोश और युवा निर्णय, त्वरित निर्णय, वो मैंने मंत्री जी के अंदर लिखा, और पिछले दिनों जब हम उस पर वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े थे तब आपने कुछ उत्तराखंड सरकार से भी कुछ अपेक्षा करी थी, तो उसमें 20% हमारे यहाँ पर एविएशन टर्बो का बैठ लगता था, और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आप इसको कम कर देते हैं
तो निश्चित रूप से आने वाले समय में चाहे हमारा पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे हमारे यहाँ पर लैंडिंग की व्यवस्था हो, हवाई उड़ाने हो, वो सारी की सारी में आपके यहाँ प्रॉब्लम। तो मंत्री जी ने तो हमारे सहयोग से काम कर दिए, हमने भी जो है कैबिनेट की बैठक करी और उस कैबिनेट की बैठक में जो 20% जो हमारा एविएशन टर्बो फ्यूल का बेड रहता था, उस बेड को हमने 2% यानी कि 18% कर दिया।